Assalamu alaikum, dear students, especially the students of class 10th this time. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. जैसे कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एंड लास्ट यूनिट में, लास्ट चैप्टर, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया दैट ऑरिस्टेड ऑब्जर्वर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. वो एक्सपेरिमेंट भी हमने कल आपको बताया कि कैसे उसको दरियाफ्त हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर मुझे तथे कन मैग्नेटिक फील्ड पौध गत कनस मैगनेट्स पुन मैग्नेटिक फील्ड आसान और इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर में ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों पैदा होता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट. यहाँ वायर में यूँ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आज ज्यादा तूत आसान मैग्नेटिक फील्ड तुम स्ट्रांग ठीक तूह स्ट्रंग आज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग. सेकेंड इज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. रेडियस मीनस कि यूँ यूँ वायर नीश दूर गो तूत तूत मैग्नेटिक फील्ड आसान वीक ठीक यूँ नजदीक यो तूत मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग. बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इन द करंट कैरिंग वायर इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई राइट हैंड थम रू. यह कल के जो था जो मैंने रिपीट किया. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ करंट कैरिंग सर्क्यूलर लूप. इस करंट कैरिंग वायर आसान ये जरूरी नहीं है कि यह स्ट्रेट वायर ही हो. यह हे स्ट्रेट ही कहीं इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्क्यूलर लूप. जैसे आपके घर में जो हीटर कॉयल है ना, हीटर कॉयल सह कॉर्म तक क्या वन कॉयल इट्स कॉयलेड फॉर्म दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द सर्क्यूलर लूप ठीक सर्क्यूलर फॉर्म एंड दैट सर्क्यूलर कॉयल इज कॉल्ड सर्क्यूलर लूप और इट कैन बी इन द फॉर्म. अगर आपने ट्रांसफार्मर खोल के कभी देखा होगा तो ट्रांसफार्मर के अंदर भी एक कॉयल होती है, कॉयल ऑफ वायर, इंसुलेटेड कॉयल ऑफ वायर. तो वो इंसुलेटेड कॉयल ऑफ वायर वो भी कॉयलेड ही होती हैं लेकिन दैट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स. तो जब उस कॉयल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी नेचुरली उसमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट कैरिंग वायर इज इन द फॉर्म ऑफ द सर्क्यूलर कॉयल और इन द फॉर्म ऑफ दैट कॉयल विच यू फाउंड इन योर ट्रांसफार्मर दैट इज कॉल्ड सोलेनोइड. वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं. तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ करंट कैरिंग सर्क्यूलर लूप. इसको समझने के लिए क्या करना है, एक कार्डबोर्ड लेना है जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, ऐसे लेना है. जो मैंने फिगर बनाई है वो इसकी फिगर आप समझिए. ये एक कार्डबोर्ड है ठीक और एक इंसुलेटेड कॉपर वायर जो यहाँ मेरे हाथ में है, इंसुलेटेड कॉपर वायर ठीक. इसको ऐसे कार्डबोर्ड में फिक्स कीजिए ठीक, हॉरिजॉन्टल वे में. और नीचे से क्या करना है, एक बैटरी लानी है और बैटरी के साथ कनेक्ट करना है. फिर ये ऐसे एक स्ट्रक्चर बनेगा. When this electric current carrying wire, अब ये स्ट्रेट वायर नहीं है बट इट इज इट स्ट्रक्चर इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्क्यूलर लूप. आई बात समझ बेटा, ये समझो कि सर्क्यूलर लूप मकसद वनुक मतलब क्या है मेन. इसलिए मैंने आपको ये आपके सामने ये एक छोटा सा नमूना लाया है ताकि आप समझिए कि सर्क्यूलर लूप मतलब क्या हो. दिस इज द सर्क्यूलर कॉयर ठीक. नाउ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड और व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कॉयल ऑफ वायर इनसाइड द वायर विच इज इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल और द कॉयल फॉर्म ठीक. यही हमने यहाँ पर देखा. देखो क्या है कि अगर सिंपली अगर हम वही रूल अप्लाई करेंगे जो हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं तो आपको सर्कल के बारे में पता है, सर्क्यूलर कॉयल इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल मतलब इन्यूमरेबल पॉइंट्स, स्ट्रेट पॉइंट्स ठीक. जब वो एक ही सर्कल पॉइंट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं तो वो बनता है एक सर्कल. अगर इफ़ वी इमेजन एनी पार्ट ऑफ इट डेट विल अगर एक दिमुख लकुट हिस अख नि सर्क्यूलर लूप सो लकुट हिस कर एक्ट एज द स्ट्रेट वायर. आई बात समझ. तो हमने पढ़ा है कि दैट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. गो अगर ये पॉइंट हिम जे नमो यत त्याज मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. अगर हिम जे नमो ये पॉइंट यत त्याज मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. अगर हिम जे नमो ब्याक पॉइंट यत त्याज मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स ठीक. देन हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाई राइट हैंड थंब रूल. बेहतर वही है कि यहाँ पर आप राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करेंगे. इमेजिन टू होल्ड अगर ये करो ये पार्ट कंसिडर स्ट्रेट पाथ ये करो imagine to hold this in your right hand with thumb in the direction of current then curl of fingers gives you the direction of magnetic field. jo main yahan pe bana ke rakha hai maine aap dekhiye
जो मैंने कहा कि वही मैंने यहाँ पे बना के रखा है, ये है सर्कुलर वायर, ये है वायर, ठीक, दिस इज वन पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट फॉर आवर पी एंड क्यू, दिस पॉइंट पी एंड क्यू, मैं यहाँ पे दो पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, अब नाउ लेट अस फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस पॉइंट, क्योंकि हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है इस कंडक्टिंग वायर में, जो जिस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ होगी वही हर जगह होगी, जो रूल यहाँ अप्लाई होगा वही रूल हर जगह अप्लाई होगा, इसलिए मैं दो पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस लेता हूँ, आप वो दो से ज़्यादा पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस भी ले सकते हैं। शाबाश, एट दिस वेरी पॉइंट, से फॉर देयर इज अ पॉइंट पी एट दिस वेरी पॉइंट, इमेजिन टू होल्ड दिस पॉइंट पी, ठीक, दिस पार्ट ऑफ द स्क्वायर इन योर राइट हैंड विद थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, दिस डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल ऑफ फिंगर्स गिव इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो कर्ल ऑफ फिंगर्स कैसे हैं, ठीक, इन दिस वेरी डायरेक्शन, तो ये देखिए यहाँ पर, तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, इन दिस वेरी डायरेक्शन, ओवर समझ, ठीक। नाउ मूविंग टू द अनदर पॉइंट दैट इज क्यू ऑन दिस वेरी साइड, दिस इज पॉइंट क्यू, शाबाश बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पी टू क्यू, इज पी टू क्यू, लेट वी पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, वी विल इमेजिन टू होल्ड दिस पार्ट ऑफ द कॉइल, नाउ वो करो अस पी जगह इमेजिन कि अस करो यथ पार्ट थफ, दिस पार्ट द स्मॉलेस्ट पार्ट इज कंस विल बी टेकन एज द स्ट्रेट पार्ट, ठीक, कर डायरेक्शन ऑफ करंट कौन चाहे बोन कौन, दिस इज द कर्ल ऑफ फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द कर्ल ऑफ फिंगर्स, आप देखिए कर्ल ऑफ फिंगर्स कैसे रहती हैं, उसी के नस्बत से मैं यहाँ पे एरो डालता हूँ, दिस इज कर्ल ऑफ फिंगर्स, डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ फिंगर्स, देन वट वी शेख यह आपको समझ आया होगा, नाउ वट वी ऑब्जर्व कि अगर हम सारे पॉइंट्स को इसी तरह मतलब यही एक्सपेरिमेंटली देखने की कोशिश करें, वी ऑब्जर्व दैट द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सर्कुलर लूप इज जस्ट लाइक दैट ऑफ द सर्किट दैट ऑफ द स्ट्रेट वायर, आउटसाइड द सर्कुलर लूप इसका मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही है इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल जैसे किसका है स्ट्रेट वायर का, बट वट हैपन्स इन साइड द सर्कुलर लूप, आप देखिए बींग द कंसेंट्रिक सर्कल्स, बींग द कंसेंट्रिक सर्कल्स, अगर ये सर्कुलर लूप लॉकट आए यानी अगर सर्कुलर अगर कर्वेचर कम आए वट विल हैपन, यहाँ देखिए आप दिस इन द सेंटर द डायरेक्शन ऑफ all the concentric circles of the different pointers they become unidirectional, am chi bana sir concentric circle on whose direction in direction of force they become unidirectional, this results in the strength of the magnetic field becomes stronger in the center because direction of all the concentric circles direction of all the magnetic field lines in the center ye ek hi direction mein aate hain, it almost becomes straight line in the center extra direction, होप कि तुम गई अंडरस्टैंड कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कल सेंटर रोजान अपरी ठीक इन सर्कल प्रत पॉइंट गो विच रिजल्ट ये तमाम फोर्सन डायरेक्शन कुन पॉइंटस पे सेम रिजल्टेंट फोर्स बन स्ट्रांग जैसे अगर कोई बच्चा यह चीज़ लमान या कह नफर क्रस लमान यह हाँ तथा लमित कह अगर जो नफर पे लमान थोड़ा बहुत फोर्स बढ़ान अगर त्रे ओर पाँच शे सत ठ दह नफर एक एक्सट्री डायरेक्शन में कुछ चीज पे फोर्स अप्लाई करन छ रिजल्टेंट फोर्स नेरन ज्यादा वही आप जहन में लाइए कि ये प्रत कुन पॉइंट्स पे कंसेंट्रिक सर्कल्स पौद गसन एंड बाय अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल वी ऑब्जर्व दैट इन द सेंटर ऑफ द लूप द डायरेक्शन ऑफ ऑल द कंसेंट्रिक सर्कल्स और द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम यूनिडायरेक्शनल अत छ इन तमाम डायरेक्शन क्लोज इवन और बेच बना से अकी डायरेक्शन इवन व्हिच गिव्स राइज to the greater force, greater effect of this magnetic force inside the circular loop. So after conclusion, we came to the conclusion as that the magnetic field of a circular loop is stronger or greater, or we can say that greater inside the loop, so circular loop ke inside magnetic field strong hota hai as compared to its outside, it is because the concentric circles of different points of the different concentric circles in the center of the loop are having unidirection, same direction, which gives rise to the unidirectional force or which gives rise to the strong force in the center. वो हम कह सकते हैं द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सर्कुलर लूप, अब यहाँ पे डिफरेंस हो गई स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रत जहे
پرتھ پوینٹس پیٹھ ہیوے ان دی فارم اف کنسنٹرک سرکلز بٹ ان کیس اف سرکولر لوپ میگنیٹک فیلڈ از سٹرانگر ان سائڈ دی لوپ سو دی میگنیٹک فیلڈ میں شاید میں لکھوں گا باقی آپ خود لکھیں گے کیونکہ میں بتا رہا ہوں آپ میری ورڈس کو اپنی کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کریں گے تو آپ کا کوشچن بنے گا دی میگنیٹک فیلڈ آف اے سرکولر لوپ دی میگنیچیوڈ آف میگنیٹک فیلڈ آف اے سرکولر لوپ اب یہ کتنا اسٹرانگ ہوگا فسٹ اٹ ول ڈیپینڈ اپان دی میگنیچیوڈ آف کرنٹ وائر آئی از دی میگنیچیوڈ آف کرنٹ یوتاہ الیکٹرک کرنٹ سرکولر لوپ منٛز سٹرانگ آسہِ تیوٗتاہ گژھِ میگنیٹک فیلڈ سٹرانگ پرٛٮ۪تھ کُنہِ پوینٹس پٮ۪ٹھ کریٹ اور یوٗتاہ تِم سٹرانگ میگنیٹک فیلڈ لاینٕز أکسٕے جایہِ پتہٕ أکسٕے ڈیریکشن منٛز ایکٹ کرن تیوٗتاہ آسہِ میگنیٹک فیلڈ سٹرانگ ان سایڈ دَ سینٹر اور میگنیٹک فیلڈ ان سایڈ دَ سرکولر لوپ دَ میگنیٹک فیلڈ ان سایڈ دَ سرکولر لوپ ان سایڈ the circular loop is directly proportional to the magnitude of current yuta magnitude of current yat wire mein increase gas tuta gas at andar kin magnetic field strong and number 2 magnetic field is inversely proportional to radius of curvature of the loop yuta radius of curvature bod as theek jaise yahan par yuta radius of curvature bod as theek tuta ch concentric circle ak ak is nazdeek in chances kam تیوٗتاہ ہٮ۪کَن یِم اَکھ أکِس نزدیٖک یِتھ کَم یوٗتاہ یِم کَم ہٮ۪کَن نزدیٖک تیوٗتاہ گژھِ سٹرٛنٛگٕتھ آف میگنیٹِک فیٖلڈ کَم پٲدٕ کَتٕتھ اِن دَ سٮ۪نٹَر یوٗتاہ کٔرویچَر آف دَ لوٗپ گژھِ کَم ٹھیٖک جِتنا کٔرویچَر آف لوٗپ کَم ہوگا دیر اِز مور پاسِبِلٹی دیٹ مور اینٛڈ مور کَنسَنٹرِک سٔرکٕلٕز وِل کَم کٕلوزَر ٹُو ایٖچ اَدَر اِن دَ سٮ۪نٹَر گِو رایز ٹُو دَ سٹرٛانٛگَر میگنیٹِک فیٖلڈ اِن دَ سٮ۪نٹَر گوٚو دیٹ اِز اِنؤرسلی پرٛپوشنَل ٹُو آر لٮ۪س دَ ریڈیَس آف کٔرویچَر آف دَ لوٗپ مور وِل بی دَ سٹرٛنٛگٕتھ آف اِٹس میگنیٹِک فیٖلڈ اِن اِٹ سٮ۪نٹَر اینٛڈ تھٲڈ magnetic field produced in the circular loop is directly proportional to the n where n is the number of turns means is a turn theek hai ye ek turn hai isi tarah agar number of turns increase ho jayenge like this this is one turn two three in each turn پرٛٮ۪تھ أکِس ٹٔرنہِ منٛز گژھِ اِن سایڈ یِتھَے کَنَن میگنیٹِک فیٖلڈ سٹرانٛگ ییٚلہِ نمبر آف ٹٔرنٕز واریاہ آسَن گوٚو سٹرٛنٛگٕتھ اِن دَ میگنیٹِک فیٖلڈ اِن سایڈ سٔرکولر لوٗپ وِل گوٚو مینی فولڈ یہِ تہِ گژھِ اِنکرٛیٖز ییٖتیٛاہ نمبر آف ٹٔرنٕز اِنکرٛیٖز گژھن تیوٗت گژھِ اَمیُک میگنیٹِک فیٖلڈ اِن سایڈ دَ سٔرکولر لوٗپ گژھِ تیوٗتاہ سٹرانٛگ گوٚو دِس اٮ۪ن میٖنٕز نمبر آف ٹٔرنٕز گوٚو دِ بَے سَمرایزِنٛگ دَ تھرٛی وی گیٹ a b in a b magnetic field of a circular loop or the strength of magnetic field of circular loop is directly proportional to I into n divided by r but this is depends on magnitude of current number of turns of the loop and the radius of the curvature of the circular loop with the circular loop and the straight wire the difference between the two is that in the straight wire magnetic field is proportional to only I and R, but in the circular loop, the strength of the magnetic field depends upon number of turns, magnitude of current, and the radius of curvature. This is about the magnetic field produced inside a circular loop. Hope you understand it. Now, second is, electric current carrying wire can be in the form of a coil with large number of closed turns. A helical coil or spiral coil in the large number of closed turns jaise wo transformer ke andar hai theek ab ye aise bhi ho sakta hai electric current jo ye wire hogi wo aise bhi ho sakti hai coil theek ٹھیٖک چھا یہِ أسۍ کہِ ڈو سایڈَس ہٮ۪کہِ یہِ پھِر ٹھیٖک وَٹ اِز دَ ڈِفرَنس بِٹویٖن دِس اینٛڈ دَ سٔرکیوٗلَر لوٗپ اِز اونلی دیٹ دِس اِز دَ کویِل آف وایر کَنٹینِنٛگ لارٕج نمبر آف کٕلوز ٹٔرنٕز دِس ٹایپ آف کویِل کَنٹینِنٛگ لارٕج نمبر آف کٕلوز ٹٔرنٕز دِس ہیلِکَل کویِل کَنٹینِنٛگ لارٕج نمبر آف کٕلوز ٹٔرنٕز اِز کالڈ سالِنایڈ solenoid first let's define what is solenoid a long helical means spiral theek
is varitas. The long helical coil containing large number of closed turns is called solenoid. A long helical coil containing large number of closed turns is called solenoid. Solenoid आप बना सकते हैं एक insulated copper wire. A long helical coil of insulated copper wire. Of insulated copper wire. Of insulated copper wire. जैसे यहाँ पर मेरे पास है insulated copper wire. ठीक containing large number of closed turns. That insulated copper wire containing large number of closed turns is called solenoid. Solenoid बना सकते हैं कैसे एक pencil या सालन छ ना आसान सालन ठीक एक बिनियान बना तक पे इसका तो बिनियान बने ये वर्ल छ त्रव अगर तुम वर्ल वारिया गन त्रव सच से त्रव त तुसी कॉइल ता बन दैट इज कॉल्ड सॉलिनाइड इसे कन अगर इस पेंसिल निमो आ पेंसिल सॉलिन दिमो इस वर इस कॉपर वायर पत कर पेंसिल नेवर और इस त इस कॉइल बन दैट कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड सॉलिनाइड नो इट विल बी लाइक दिस This long insulated copper wire. ठीक what is the property of the solenoid is that its length. Its length is always greater than its breadth. ठीक अस समझ अक्ष चीज़ यार कि ये सी वायर मोड बने ऐसे बना चाहिए डेंज ये एक मतलब मोड तो बने क्या इसके अच्छे नंबर ऑफ लार्जेस्ट टर्म्स आसान एक मोड तो बने मगर वन थिंग इज मतलब दैट इज द कैरेक्टर ऑफ द सॉलिनाइड इज देयर वन इनहेरेंट कैरेक्टर इज देयर कि लेंथ ऑफ द सॉलिनाइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स ब्रेडथ ठीक बट इट्स दैट व्हाई इज कॉल्ड लॉन्ग हेलिकल कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स अब जब इस तरह की कॉइल हो और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास ठीक इसमें गैस इलेक्ट्रिक करंट पास तो फिर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड इनसाइड द कॉइल अख मैग्नेटिक फील्ड गैस पद अत कॉइल में And when magnetic field is created, what is observed? That the magnetic field created inside the coil of wire, inside this coil of wire, inside the solenoid, it is just like, it is similar to that of the ball. It is similar to that of the ball magnet. This is North Pole and South Pole, and these are the magnetic field lines. These are curved lines, complete curved lines, moving around the solenoid, just like that of the bar magnet. The magnetic field produced inside the solenoid is similar to that of the bar magnet. The end of the coil. The end of the coil, क्योंकि इसके दो साइड्स हैं the end of the coil, where the electric current is in the clockwise direction, where electric current is in the clockwise direction, acts as the north pole and south pole, where the the end of the coil, where the direction of the wire is in the clockwise direction, acts as the north pole. And the end of the coil, while the direction of the current is, इसे यहाँ पे मैं यहाँ पे एक circle बनाता हूँ. If in the circular coil, the direction of coil, the direction of the current is clockwise, then the act as the north pole. And if it is in the anti-clockwise direction. The part of the coil where the direction of the coil is anti-clockwise acts as the south pole. So we can find out the direction of the north pole and south pole of the solenoid with the help of the bar magnet as well. वो मैं अभी आगे बताता हूँ. पहले हमें ये जानना है कि what is the magnitude of magnetic field produced inside the solenoid? The magnitude of the nature of magnetic field. पहले the nature of magnetic field. Nature of magnetic field of a solenoid is just like that of bar magnet
just like that of our magnet. One end of the magnet, one end of the solenoid acts as north pole and one end acts as the south pole. The magnetic field lines are parallel inside the magnet and are curved outside the magnet. The strength of the magnetic field, inside the magnet, ठीक जो इसके इनसाइड की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है जो और बाहर साइड आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज हाफ ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड यानी कशर पॉइंट यूटा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग छ आसन कट इनसाइड द कॉइल ऑफ वायर इनसाइड दिस सोलेनोइड ड्यू टू हैविंग कर्वेचर्स ठीक यूटा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड स्ट्रांग आसन छ नेबरम मैग्नेटिक फील्ड उसमे का आसन छ तेम खाफ तेम स्ट्रांग छ तेम हाँ नाउ द मैग्नीट्यूड यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनोइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ठीक इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ये दो कॉमन है एंड हियर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनोइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन वहाँ पर खर्च किया लोग में हमने लिखा n दैट इज नंबर ऑफ टर्नस यहाँ पर मैंने लिखा स्मॉल n व्हाट इज स्मॉल n इट इज नंबर ऑफ टर्नस पर यूनिट लेंथ दैट इज दिस n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय l यानी हुच नंबर ऑफ टर्नस कितने टर्नस आसन सर क्यों लोगों में तो गैस्ट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज लेकिन यहाँ पर क्या है magnitude of magnetic field of a current carrying solenoid is directly proportional to small n. Small n is number of turns per unit length. यानी अगर हमने इसको length solenoid को meters में लिया है, इसे 10 meters जोर ने मुझ बनो मुझ solenoid, एक इस meters में उसका त्याग turns है वन. ठीक? ये त्याग एक इस meters में number of turns ज़्यादा आसम. तो ता आज इमुक magnetic field से ट्राउंग. अगर ऐसे meters में मुझे मुझे, तेल एम meter किस एक इस हिस्से में, यानी एक इस centimeters में उसका त्याग turns in one that is called it is number of turns per unit length yet the number of turns per unit length asan jad tuta sha asan magnetic field magnitude of magnetic field of a current carrying solenoid strong aur imuk inside in andre magnetic field sha asan nebrim m ki magnetic field khot double means two times more stronger than the magnetic field outside the solenoid and that is why this solenoid is used for manufacturing of electromagnets अब हम नए जो टॉपिक इंशाल्लाह कल से पढ़ने जा रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या गई इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फॉर ए सुबस मगर सोलेनोइड से इवन यूज़ करना फॉर द क्रिएशन और द फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्योंकि इस इवन अंदर किन इनके स्कोरस में जो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड से आसान इस इतना स्ट्रांग आसान कि ये हेक एक मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक दैट ऑफ द आयरन कन्वर्ट कर एक परमानेंट मैग्नेट्स में वी विल स्टडी बाय टुमारो इंशाल्लाह टुडे इट वाज अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर लूप एंड अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सोलेनोइड थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू खुदा हाफिज़